नमस्कार लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। आज बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा है। ये एग्जाम जो है वो 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी, लेकिन जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम को देने जा रहे हैं उन्हें 11 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगा। बता दें कुल 38 जिलों के 805 केंद्र जो है परीक्षा केंद्र वो बनाए गए हैं, जिसमें की कुल 4,34,661 परीक्षार्थी जो है वो शामिल होंगे। इस बात की जानकारी बीपीएससी के सचिव ने दिया है और बताया है कि इस बार जो आवेदन की संख्या है वो 4,34,661 आए हैं। वहीं पटना के केंद्रों की बात करें तो पटना में कुल 68 केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें 40,478 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। लेकिन इस बार जो है वो छात्रों के लिए काफी टफ ये एग्जाम होने वाला है, क्योंकि इस बार जो है वो पहली बार निगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है वो भी रखा गया है। तो जो छात्र ऐसे ही बिना तैयारी के एग्जाम देने के लिए चले जाते थे या फिर तुक्का मार के अपने आंसर को चुनते थे, तो उनके लिए इस बार जो है वो थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से या फिर गलत उत्तर देते हैं तो निगेटिव मार्किंग जो है वो आपको झेलनी पड़ेगी। तो अभी एग्जाम जो है वो 12 बजे से शुरू होने वाले हैं। तो इसके साथ आपको बता दें कि जो भी परीक्षार्थी अभी परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो आप किन किन बातों का ध्यान रखें। तो परीक्षा केंद्र के लिए निकलने से पहले आप चेक कर लें कि आपने एडमिट कार्ड जो है वो अपने पास रखा है या नहीं। आवेदन करते समय जिस पहचान पत्र को लगाया है उसे साथ लेकर परीक्षा केंद्र पर जाएं। इस परीक्षा की प्रकृति निगेटिव मार्किंग है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक जो है वो घटाया जाएगा। इसलिए काफी सोच समझकर ही अपने आंसर जो है वो दें। और साफ तौर से यह भी आपको बता दें कि इस बीच समय का भी आप काफी ख्याल रखें। मार्कर, ब्लेड, इरेजर और परीक्षा केंद्र में ले जाना वर्जित है। इसका प्रयोग ओएमआर शीट में करने पर सही उत्तर हो या फिर गलत, दंड स्वरूप 1/4 निगेटिव मार्किंग दी जाएगी। परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों का प्रवेश 9:30 बजे से ही शुरू हो जाएगा। 11 बजे तक प्रवेश करने के लिए दिया जाएगा और परीक्षा शुरू होने के 1 घंटा पहले यानी कि 11 बजे के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में एंट्री जो है लेने नहीं दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों के पास मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन या फिर स्विट वॉच जो है वो, कैलकुलेटर, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो लेकर नहीं जाएं। और किसी परीक्षार्थी के पास परीक्षा केंद्र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर पाई जाती है तो उसे कदाचार माना जाएगा। साफ तौर से यह भी आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पाए जाने पर इस परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षा में भाग लेने से वंचित किया जाएगा। और अगर आप किसी भी तरीके से अफवाह फैलाते हैं या फिर बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है या फिर किसी भी तरीके से इस एग्जाम को भी रद्द कराने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए भी आयोग जो है वो आपको परीक्षा नहीं देने के लिए 3 साल तक वंचित जो है वो कर देगा। देखिए, तमाम तैयारी जो है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। उसके बाद आयोग ने उस एग्जाम को रद्द कर दिया और फिर वापस से इस एग्जाम को कंडक्ट कराया था। और इस बार फिर से वही गलती नहीं हो, इस बार एग्जाम जो है वो सही तरीके से लिया जाए, निष्पक्ष तरीके से लिया जाए, इसी चीज को लेकर तमाम तैयारी जो है वो की जा रही है। तो आज 12 बजे से 2 बजे तक बीपीएससी 68वीं पीटी परीक्षा है। तो जो भी अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं, नए जो भी इसमें चेंजेस किए गए हैं, बदलाव किए गए, उनका पूरा ख्याल रखें, समय का ख्याल रखें और आप तुक्का मार के जवाब नहीं दें। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। धन्यवाद।